कोटि कोटि नमन। सम्मानित मंच, मंच पर आसीन हमारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, और साथ में गांव चलो अभियान जो कार्यक्रम है तो जिला डोडा के ये प्रभारी कन्वीनर हैं, और इनके साथ मंच पर शौकत जी, हाशमदीन जालिया जी, नीली मंडल के मंडल प्रधान महात्म सिंह जी, गुंदो मंडल के मंडल प्रधान हरनाथ सिंह जी, और भाई राजेंद्र जी, महेंद्र जी, भाई नरेश जी, क्षमा चाहूँगी सभी के नाम नहीं ले पाऊँगी, और इस पंडाल में उपस्थित हमारे गांव चलो अभियान के जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है यह है गांव चलो अभियान के तहत। पहले हमारे जो कार्यक्रम हुए बूथ सशक्तिकरण अभियान था, फिर विकसित भारत का था, बहुत सारे कार्यक्रम। आज ये जो गांव चलो अभियान कार्यक्रम जो है तो इसका महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि जो हमारी पिछले दिनों बैठक हुई थी दिल्ली में, तो प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम एक अभियान करेंगे, गांव चलो अभियान। आगे से हम अब सभी जानते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रहे हैं इसी के लिए गांव चलो अभियान जो है तो ये हम चलाने जा रहे हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले ये बताया गया कि हमारे जो रेन्यू विलेज हैं, तो सबसे पहले हमने जब आइडेंटिफाई किया तो हमारे ज़िला डोडा के अंदर 400 रेन्यू विलेज हैं। तो 400 रेन्यू विलेज में फिर से जब हमने बताया कि 400 रेन्यू विलेज हैं तो उसमें से हमसे कार्यकर्ताओं के नाम मांगेंगे, और उसमें हर गांव में दो दो कार्यकर्ताओं के नाम हमें देने थे। तो 400 तो दो दो कार्यकर्ताओं के नाम, तो 800 लोगों के नाम हमारे ज़िला डोडा के अंदर से गए हैं, और ज़िला डोडा जो है तो इसकी तीन विधानसभाएं हैं, जो भद्रवाह को दिलीप सिंह परिहार जी देख रहे हैं, डोडा 52 को मैं देख रही हूँ, और डोडा जो 53 है तो उसको हमारे महामंत्री राकेश जी देख रहे हैं। तो इसी के चलते गांव चलो अभियान एक इसको बहुत महत्व देने के लिए कहा गया है। जम्मू में इसके लिए 5 बैठकें हमारी अभी तक हो चुकी हैं। उसके बाद जो हमारे मंडल प्रधान थे तो उनको जम्मू में बुलाया था, उनको फ़ोन कॉल्स भी दिए गए थे, उसके लिए उनकी कार्यशाला लगनी थी कि जो हमारे प्रवासी कार्यकर्ता हैं तो उनका क्या इसमें दायित्व रहेगा, और उसमें जो प्रवासी कार्य जो स्थानीय कार्यकर्ता उन्होंने क्या करना है। लेकिन उस दिन हमारा 22 का जो प्रोग्राम था उसकी वजह से हमारे मंडल प्रधान जो हैं तो वो जम्मू की बैठक में नहीं आ पाए। कुल मिलाकर उसमें 3 मंडल प्रधान थे। फिर इसके लिए हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिसमें दिलीप जी भी जुड़े थे और शक्ति परिहार जी भी जुड़े थे, तो विस्तार पूर्वक सभी को बताया गया था कि हमने करना क्या है। फिर उसके उपलक्ष्य कल डोडा में हमारी मीटिंग थी, डोडा में सब मंडल प्रधान को बुलाया गया था कि हम जो मंडल प्रधान जो हमारे थे उनको ये जो हमें स्टेशनरी मिली हुई है, पैम्पलेट हैं, फार्मर जो वहाँ से आए हुए हैं, ये हमने वितरित करने थे। फिर उसके बाद जो लोग वहाँ पे आए थे और हरी झंडी दिखा के हमने उनको सम्मान से भेज देना था, तो जो लोग वहाँ पे आए थे तो स्टेशनरी हमने उनकी दी। तो इसमें दिलीप जी ने कहा था कि अभी थोड़ी बर्फबारी भी है, तो ये जो हमारे एरिया के 4 मंडल पड़ते हैं, नीली, गंदो, काहरा, चिल्ली, तो इन लोगों का हमने तय किया था कि आज के लिए हम यहाँ बुलाएंगे और सभी को अपना हम ये स्टेशनरी फार्मर जो हैं और हम आप लोगों को ये सम्मान के साथ देकर, तो कल हमने अपने अपने जो जिसको जहाँ जो गांव मिला है वहाँ हमने चले जाना है। और ये रहता है कि वहाँ जाके हमने करना क्या है। जब स्थानीय कार्य जो प्रवासी कार्यकर्ता है तो उन्होंने अपना वो देख के अभी बताया गया, नीली मंडल से भी, चिल्ली मंडल से भी, गुंदो मंडल से भी, काहरा मंडल का भी हम आपको बता देंगे कि इन लोगों ने जो अपने जिस रेन्यू विलेज में जाना है, जब वो वहाँ जाएंगे जो वहाँ का रिसीविंग कार्यकर्ता होगा, जो स्थानीय कार्यकर्ता होगा, तो वो सबसे पहले उनको फ़ोन कॉल्स करेंगे, पहले से अपनी रूपरेखा बना के वहाँ चले जाएंगे। जब वो वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ता जो है तो उसने जो प्रवासी कार्यकर्ता होगा उसको बुला के, जो हमारी ऑलरेडी टीम बनी हुई है गाँव में बूथ की, उन लोगों से नहीं मिलाना है। सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से मिलाना है कि जो हमारे टीम के अंदर नहीं है,
हालांकि वहां गांव में तो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे, सब जुड़े हैं, लेकिन जो लिस्ट में जिनके नाम आए होते हैं, जिनको कभी बैठक में बुलाते हैं, कोई बूथ अध्यक्ष है जो जिम्मेवारियां हैं, उनसे बैठक नहीं होगी। पहले उन लोगों को उन लोगों से मिलाना है कि जो टीम के अंदर नहीं है, उन लोगों के साथ बैठक होगी। उसके बाद जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे गाँव के अंदर कोई ऐसी जगह होती है, चाहे कोई दुकान है, कोई ऐसे कोई पार्क है, कुछ भी है, जहाँ कभी कभी गांव कोई छती है जहां गांव के लोग इकट्ठे होकर आपस में बातचीत करते हैं, वहां भी जाके वो जो प्रवासी कार्यकर्ता होगा वहां भी उनके बीच बात रखेगा। उसके बाद उन्होंने जो वहां के युवा हैं, युवा से भी उन्होंने मिलना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मिलना है, जो न्यू वोटर हैं उनसे भी मिलना है। उसके बाद जो किसी क्षेत्र में काम करके वापस मतलब रिटायर आए हुए लोग हैं उनसे भी मिलना है, कोई दुकान पर भी लोग जमा होते हैं वहाँ भी मिलना है। उसके बाद जैसे हम हमारे अपने जो कार्यकर्ता है उनसे भी मिलना है। उसके उपलक्ष्य जो हमारे कुछ लोग जो हमारे मतलब पार्टी से नहीं जुड़े हैं उनके घर भी जाना है, उनके घर भी जाना है, उनका भी हालचाल जानना, उनके साथ भी वार्तालाप करेंगे, कोई भेदभाव ना रखते हुए उनके घर भी जाना, चाय पी के वहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद जो हमारी बूथ की टीम होगी, जो हमारी पार्टी की मतलब जो टीम है बूथ के अंदर, फिर उन लोगों से मिलना है। उन लोगों से जब मिलना है वहाँ से जानकारी हासिल करनी है कि यहाँ पे कितने इस बूथ में है, ये भी देखना आपने कि सबसे पहले ये देखना है कि उस रेन्यूलेज में बूथ कितने हैं, फिर उसके बाद जानना है कि वोटर कितने हैं, न्यू वोटर कितने हैं, वो भी एक फॉर्मेट में यस उस फॉर्मेट में दिया हुआ है वो भी भरना है, फिर उनके साथ जो है अपने बैठक करके और पहले का जो डाटा है वहाँ से कि पहले से जो हमारे इलेक्शन हुए हैं उसमें कितने वोट आए हैं और जो आगे का आंकड़ा है वो भी हमने बातचीत करके वो भी जांच करके वो भी देखना हमने कि आगे से कितना है। और उसके बाद जो विकसित भारत के तहत जो हमारी एक वैन आई हुई थी गांव-गांव, हम सभी जानते हैं, सभी ने उसको देखा था, तो उसका भी हमने लेना है कि मतलब किस किस गांव में वैन पहुंची थी और कितने लोगों को लाभ मिला है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीमें निकाली है उनकी भी हमें जानकारी हासिल करनी है कि इस गांव में कितने लोगों ने किस किस चीज़ का क्या क्या फ़ायदा उठाया, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके उपलक्ष्य ये नहीं कि हम गए वहाँ जाके हमने हर एक छोटी छोटी फोटो बनानी है, और जो लाभार्थी बेनिफिशरीज है उनसे हम मिलेंगे, चाहे सबसे पहले आपको एक कोई बहन मिल जाएगी उनसे पूछना है, और उनसे वार्तालाप करते समय किसी को मोबाइल पकड़ा के एक हमने छोटी सी वीडियो क्लिप बनानी है, चाहे 20 सेकंड तक 30 सेकंड तक, कि बहन से पूछना है आपको सिलेंडर गैस मिला है, वो भी वीडियो बना के, और किसी को किसान निधि मतलब आवास प्लस योजना जो है वो छोटी छोटी जो वीडियो क्लिप हैं तो वो हमने वो आपने बना के वो भेज देनी है। एक नंबर मैं आपको दूंगी, वो हमारा पार्टी का मतलब ऑफिस का नंबर है, वह व्हाट्सएप पे उस पर आप डाल सकते हैं, आप मुझे भी भेज सकते हैं, आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, दिलीप जी को भी भेज सकते हैं, लेकिन उस नंबर पे भी आपने भेजना है। उसके बाद आपने वहाँ क्या करना है कि जो सरल ऐप जो है उसको भी आपने डाउनलोड करना, उस पर भी आपने फ़ोटो चढ़ानी है। अगर आप काम जितना भी करेंगे अगर सरल ऐप पर फ़ोटो नहीं चढ़ेगी तो वहाँ मानने वाला कोई नहीं है कि आप प्रवास पे गए थे, सरल उस ऐप पे आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। उसके बाद आपने उन बूथों पे जाके देखना है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है बना है, अगर नहीं बना होगा आपने बना के आना है, और जॉइनिंग का जो एक नंबर है मिस कॉल वाला तो वो भी पूरा इतना सारा जो कार्य है तो यही करना है। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि इस कार्य के लिए आप सभी लोग जो इस कार्य के लिए जा रहे हैं तो सफल होकर वापस आएंगे, और इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत।